In this section, I will explain what are the various factors that help us in deciding which method of financing is appropriate for a certain company. I'm going to explain this whole process of how the financing source or financing method will be determined depending upon the situation a firm is in or the stage. अफर्म इज़ इन इन टर्म्स ऑफ इट्स डिवेलपमेंट और फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इन द इनिशियल स्टेजेस या वो फर्दर डिवेलप करना चाह रही है ये तमाम फैक्टर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं इस फैसले को डिसाइड करने के लिए कि फाइनेंसिंग का मैथड क्या अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए तो उसके लिए मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम ले रहे हैं एक और ऑयल कंपनी जिसको जिसने सर्विस कंडक्ट किए और उसको पता चला कि एक सर्टन पीस ऑफ लैंड के को अगर हम ड्रिल करेंगे तो वहाँ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ ऑयल निकल सकता है तो अभी उनको पैसे दरकार हैं कि वो उसको ड्रिल कर सके नाउ देर इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ऑयल नहीं निकलेगा तो वो वहीं वाइंड अप करना पड़ेगा उनको अपना प्रोजेक्ट को और अगर ऑयल निकल आता है तो नेचुरली फिर क्या होगा कि उनको मज़ीद पैसा चाहिए होगा तो अगर वो तब डिफाइन करेंगे कि अब हमें पैसा चाहिए तो ज़ाहिर है उनको अगर ऑयल निकला हुआ है तो नेचुरली उनको जो भी बॉयिंग वगैरह करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से ज़्यादा हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनको पैसे मिल सकते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है तो देर इज दिस कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ अटैच विद दिस सिचुएशन नाउ वी आर गो टू हैव अनदर सिचुएशन जिसमें हमारे पास गोह में फूड्स है जो कि चेन ऑफ फूड स्टोर है किसी भी मुल्क में तो देवघा ही चेन ऑफ़ फूड स्टोर और ये पर्टिकुलर जो कंपनी है गोरमे फूड्स इसकी मालिक पाँच बहने और पाँचों बहनें जो हैं वो वन फिफ्थ ऑफ द टोटल कॉमन स्टॉक ओन करती हैं तो अभी इनके पास इस सिचुएशन में कोई ऐसे एसेट्स मौजूद नहीं हैं जिनको कोलेट्रल करके दिखा के वो फर्दर डेट ले सकें लिहाजा एंड दे वॉन्ट टू मैनेज देअर बिजनेस एंड देड मनी और वो क्या बेहतर तरीन बेहतरीन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो सकती है कि वो उसके थ्रू अपने पैसों को जनरेट करके अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सके आपने अपने बिजनेस business को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके थर्ड सिचुएशन में हम मिसाल ले रहे हैं एक कंपनी की जो कि टेक्सटाइल कंपनी है उसका नाम है बॉम्बे टेक्सटाइल कंपनी और वो इंडिया में सेटअप हुई हुई है उसका काम ये है कि वो क्लोथिंग कपड़े तैयार करती है और जो कपड़े तैयार करती है ओवरऑल जो उसका टोटल प्रोडक्शन है उसमें से आधा टोटल प्रोडक्ट उसका सिंगापुर में एक्सपोर्ट होता है और वहाँ बहुत आला दामों पे वो बिकता है नाउ उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है इस कंपनी के पास वो कपड़े बनाने की है अब वो जो रिसिवेबल्स आ रहे हैं बाहर से उनको दोबारा कहीं और इन्वेस्टमेंट करना ये सारी की समझ उनके पास नहीं है तो वो अभी अगैन दे आर थिंकिंग कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें जो चौथी कंपनी है मेरे पास जो चौथी सिचुएशन उसमें देर इज़ अ परसन इज होली एंड ही वांट्स टू बाय अ फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज लेना चाहता है वो बर्गर क्वीन का और बर्गर क्वीन का एक फ्रेंचाइज के लिए कम अज़ कम एक लाख डॉलर दरकार है उसके पास इस वक्त मौजूद हैं पचास हज़ार डॉलर और एक और पचास हज़ार डॉलर उसको चाहिए और यहाँ ये अहम बात है कि अभी उसके पास कोई बिजनेस नहीं है और जो मनी उसके पास है वो उसको चाहिए वो इन्वेस्ट करेगा तो वो अपनी फ्रेंचाइज खरीद सकता है मगर उसको एक एडिशनल फिफ्टी थाउजेंड चाहिए तो ही विच मेथड ऑफ फाइनेंसिंग विल बी अप्रोप्रिएट फॉर हिम इन दिस सिचुएशन इसको हम अभी डिस्कस करेंगे पांचवी कंपनी जो हम मिसाल लेने जा रहे हैं दैट इज अ ली प्रोडक्शन कंपनी ये uh, इसमें दस लोगों ने मिल पैसे डाल के एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई है और ये करती क्या है ये मूवीज बनाती है तो अभी रिसेंटली हम एज्यूम रहे हैं कि इन्होंने एक मूवी बनाई और वो बहुत सुपरहिट हो गई उससे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इनको मिले हैं नाउ दे आर थिंकिंग हम अगले साल जितनी फिल्में आप एक हम एक साल में बनाते थे हम उससे दुगनी फिल्में बनाएंगे अगले साल और उसके लिए ऑब्वियसली उनको मनी चाहिए तो वो किस तरह कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग से उनको मनी लेना चाहिए जो उनको इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे